हमेशा चाइल्ड को क्या चाहिए, उसको चाहिए जब वो घर जाए तो उसको लविंग और केयरिंग पेरेंट मिले, एक और नया टीचर ना मिल जाए, क्योंकि पेरेंट जो है पहला मेंटर है, टीचर दूसरा मेंटर है। पेरेंट एक केयर गिवर है, फ्रेंडली अप्रोचेबल होना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो बच्चा अच्छा रहेगा। गलत फहमी है आपकी। जो माँ बाप हार्श रहे हैं अपने बच्चों के साथ ना, उनके बच्चे रिबीलियस ज्यादा बने हैं। स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन जो पेरेंट होते हैं, चांसेस हैं कि उनके बच्चे को डिप्रेशन, अग्रेशन, मेंटल हेल्थ और बिहेवियर और डिसऑर्डर और स्ट्रेस, हमेशा लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2020 में इसी पैंडेमिक के दौरान हमारे देश के अंदर 11,396 बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि 31 बच्चे हर रोज सुसाइड कर रहे थे हमारे देश के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ, हर घंटे में एक से ज्यादा बच्चा सुसाइड कर रहा था हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ा कारण था पेरेंटल प्रेशर, वो लीडिंग कॉज था। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन एक बार मन से हार गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता। तो आपका बच्चा मन से जीते।